नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। देखिए, पटना में अब कूड़े का अंबार जगह जगह पर दिखने लगा है। लगातार जो है वो कूड़ा जो उठाव था वो अब ठप हो गया है। पटना नगर निगम के जितने भी कर्मचारी थे, सफाईकर्मी थे, वो हड़ताल पर चले गए, क्योंकि उनकी मांग जो है वो वेतन बढ़ाने की मांग को था। जो प्राइवेट एजेंसियाँ जो ली हैं टेंडर, जो प्राइवेट एजेंसी नगर निगम से लेती हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम जो सफाईकर्मी हैं उनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ा रही है, वो कम करके दे रही है। निखिल, इसी के कारणवश तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं और कईयों पर कार्रवाई भी की जा रही है। पटना नगर निगम जो है कई कर्मचारी पर कार्रवाई भी किया गया है। साथ ही साथ पटना नगर आयुक्त ने ये अधिकार तमाम जो सुपरवाइज़र हैं उनको ये निर्देश भी दिया है कि आप कचरा का उठाव रोके नहीं, जारी रखें, क्योंकि एक बार पूरे तमाम इलाकों में जो कचरा का अंबार जमा हो जाएगा कहीं ना कहीं वो काफ़ी लोगों को परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि एक तरफ डेंगू का प्रकोप जो है वो काफ़ी चरम सीमा पे है, लगातार जो डेंगू के मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार जो है वो वृद्धि हो रही है। तमाम अस्पतालों में जो है लगातार जो मरीज़ हैं वो भर्ती हो रहे हैं। इस तरीके से अगर कूड़े का अंबार जगह जगह पर जमा होगा, दूसरी बात है कि अगर बारिश का भी मौसम है, इस दौरान जो है कहीं ना कहीं जो कूड़ा का उठाव अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो नाले हैं उसमें जो कूड़ा है वो जाम हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये तमाम जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न होने लगेंगी। कूड़ा का उठाव भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से तमाम जो इलाकों में है कूड़े का अंबार जो है वो काफ़ी मात्रा में लगता जा रहा है, जो है वो अब आसपास के इलाकों में जो है उसकी जो गंदगी है, जो महक है, वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। लेकिन एक तरफ जो कहीं ना कहीं डेंगू का जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तमाम जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका हड़ताल ख़त्म होता है, उनकी जो वेतन वृद्धि की मांग है वो कब पूरी होती है। तो आपने देखा कि तमाम इलाकों में किस तरीके से कूड़े का अंबार है, तो आपने देखा किस तरीके से तमाम जो इलाकों में है वो कूड़े का अंबार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं इससे लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। घर से जो डेली है वो कूड़ा कचरा निकलता है और एक जगह उसको जो है वो रखा जाता है, वहाँ से पटना नगर निगम के द्वारा जो है तमाम कूड़े का उठाव करके उसको जो है वो पूरे पॉइंट पर भेजा जाता है कि पटना जो है वो साफ़ रहे। लेकिन अब तमाम जो इलाके हैं वो पटना के कहीं ना कहीं गंदगी का आलम उसमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। अब पटना के नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका हड़ताल कब ख़त्म होगा ये बड़ा सवाल है। अब इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।